एक्टिंग हो या थोड़ा बहुत स्क्रीन राइटिंग या डायलॉग राइटिंग में। हाँ, तो डायलॉग राइटिंग या उसमें मैंने पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन पहली बार मैंने कपड़े डिज़ाइन किए हैं तो जो कि आपको शो देखने को मिला। कंगना, लास्ट टाइम आप करण जौहर के लिए वॉक किया था आपने, तो वही आपके इंस्पिरेशन ऐसे कह सकते हैं। आई थिंक वेरोमोडा की ये जो लाइन है माँ की, लास्ट टाइम आई वॉज अ शो स्टॉपर और दिस टाइम आई हैव एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द डिज़ाइन। तो इंस्पिरेशन तो आई थिंक जो लड़कियाँ हैं लाइक मी, कॉन्फिडेंट वर्किंग वेमेन, वही हैं। सराहते हैं या मेरे फैशन सेंस से प्रभावित हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाके स्टोर में कपड़े चेकआउट कीजिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। कंगना, क्या रंगून में भी अपनी जो ड्रेस होगा वो खुद ही डिज़ाइन करेंगी? रंगून में डॉली जी काम कर रहे हैं और खासकर फिल्मों के जो कैरेक्टर होते हैं मैं उन पर कभी भी डिज़ाइन नहीं करती हूँ। अगर मेरे अगर इस लाइन में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आई थिंक गॉड विलिंग कभी मैं अपनी लाइन जो है इंडिविजुअल लेवल जो है लॉन्च करूँगी। टिप्स मेरी सारी टिप्स इस कलेक्शन में है तो प्लीज़ गो, तो यू कैन गेट ऑल माय यू नो टिप्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। दैट्स इट। सो मेनी न्यू ट्रेंड्स आर कमिंग इन मार्केट, व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड इंडियन ट्रेंड्स? जी, अलग अलग मार्केट्स हैं और अलग अलग ट्रेंड्स हैं एंड आई फील दैट इंडियन फैशन मार्केट इज इवॉल्विंग एवरी ईयर एंड इट्स बिकमिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड ह्यूज एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इंडियन फैशन एंड इट्स स्पेशली द वन दैट इज मेकिंग मार्क इंटरनेशनली एंड यू नो एंड इनफैक्ट ब्रांड्स लाइक वेरोमोडा वेंचरिंग इनटू इंडियन मार्केट एंड गेटिंग सच ग्रेट रिस्पॉन्स एंड कोलैबोरेटिंग विद यू नो इंडियन टैलेंट इज